आप एक शानदार इंसान हैं, आप गजब काम कर रहे हैं जो हर तरीके से दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नवाज शरीफ की ऐसी तारीफ की थी, ये पाकिस्तान के पीएमओ का बयान था, लेकिन पाकिस्तान के इस बयान को अमेरिका ने झूठा बताया। मैं भारतीय एजेंसियों के लिए खुफिया जानकारियां जुटाता हूं। जब संसद पर हमला हुआ तब से मैंने जासूसी करनी शुरू की। भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव ने पाकिस्तान में रॉ के कहने पर जासूसी की, ये दावा पाकिस्तान की सेना का था। लेकिन अब खुद सरताज अजीज कह रहे हैं कि जाधव के खिलाफ सबूत नहीं। पाकिस्तान डज नॉट विश टू भारत के साथ पाकिस्तान हमेशा के लिए शत्रुता नहीं रखना चाहता। हम सकारात्मक हैं, लेकिन पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए। लेकिन कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने से बाज नहीं आता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। पाकिस्तान के कितने झूठ, ये सवाल आज हम पूछने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद ही जैसे झूठ पर टिकी हुई है। पाकिस्तान कभी आतंकवाद पर झूठ बोलता है, कभी कश्मीर पर, तो कभी डोनाल्ड ट्रंप से नवाज शरीफ की बातचीत को लेकर झूठ का प्रोपेगेंडा चला देता है। इस झूठे पाकिस्तान पर अब किसी को भरोसा नहीं। जिस पाकिस्तान को कभी अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोगी माना था, अब उसी अमेरिका की संसद ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद जारी करने के पहले पाकिस्तान की नीयत परखने का कानून पास कर दिया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, फर्जी जुबान, झूठा पाकिस्तान। पाकिस्तान झूठ बोलता है, फर्जीवाड़े करता है। हिंदुस्तान अरसे से ये बात ताल ठोक के कहता है। आतंकवाद के मसले पर हर बार नया झूठ बोलता है, लेकिन झूठ के ये दांव अब उल्टे पड़ने लगे हैं। अमेरिकी संसद को भी पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने के लिए शर्त लगानी पड़ी। अमेरिकी संसद ने उस कानून को मंजूरी दे दी है जिसके मुताबिक पाकिस्तान को $4,000,00,000 तभी मिलेंगे जब खुद अमेरिकी विदेश मंत्री इस बात की पुष्टि करेंगे कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकवाद फैलाने वाले हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की है। ये पैसा अफगानिस्तान में नाटो सेना की मदद के नाम पर बने फंड से रिलीज होना है। लेकिन अमेरिका के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के तहत अब 4 शर्तें पाकिस्तान पर रखी गई हैं। इन शर्तों के तहत पाकिस्तान में हक्कानी नेटवर्क की गतिविधि पर रोक लगानी होगी। हक्कानी नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान तालमेल रखेगा, हक्कानी नेटवर्क के बड़े आतंकियों को गिरफ्तार करेगा, पाकिस्तान को आतंकियों के अड्डों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करनी होगी। अमेरिका बीते 8 साल से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दुविधा में था, लेकिन पाकिस्तान आर्थिक मदद लेकर भी कराची से काबुल जाने वाले नाटो सैनिकों के कॉन्वॉय पर हमले के लिए आतंकियों को छूट देता था। अगर वो सही प्रकार से उसको लागू करते हैं तो मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि पूरे क्षेत्र के लिए ये एक काफी सकारात्मक इसका प्रभाव होगा, क्योंकि हाल में हार्ट ऑफ एशिया के कॉन्फ्रेंस अमृतसर में इसी बात का जिक्र हुआ था, जहां अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी साहब ने कहा, भारत ने भी यही कहा कि पाकिस्तान के हुकूमत जो है और खास उनके जो फौज, अगर अपने रणनीति में वो बदलाव लाएं, दहशतगर्दी गुटों को समर्थन ना दें, तो पूरे क्षेत्र का जो मैं कहूंगा माहौल वो बेहतर हो सकता है। हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान में भारत के खिलाफ भी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है, भारत के हितों के खिलाफ कई आतंकी हमले कराए हैं। 2008 में काबुल में भारतीय मिशन पर हक्कानी नेटवर्क के हमले में 58 लोगों की जान गई थी। सवाल यह है कि पाकिस्तान के झूठ को आखिर अमेरिका कब तक बर्दाश्त करता है? लेकिन क्या पाकिस्तान का फर्जीवाड़ा रुकेगा? क्या वो भारत और दुनिया की आंखों में आतंकवाद के मुद्दे पर धूल झोंकने से बाज आएगा? ओबामा उनको F-16 बेचना चाहते थे सब्सिडाइज पे, लेकिन वहाँ के लॉ मेकर्स ने साफ तौर पे कहा कि हम जानते हैं कि ये हवाई जहाज जो हैं केवल हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, ना कि हक्कानी ग्रुप के साथ में, और उन्होंने उनके डिफेंस सेक्रेटरी को कहा इसकी सर्टिफिकेशन देने के लिए। वो सर्टिफिकेशन ना तो कार्टर ने उनके डिफेंस सेक्रेटरी ने दी, फिर उन्होंने कहा नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जो बिदन या कैरी जॉन कैरी, उन्होंने सर्टिफिकेशन देने से मना कर दिया। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो क्या करते हैं मालूम नहीं, लेकिन
इलेक्शनरिंग के दौरान में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा जो टेररिस्ट नेशन है वो पाकिस्तान है और उसको केवल एक ही देश है जो ठिकाने लगा सकता है, वो हिंदुस्तान है। पाकिस्तान पर भरोसा करना खुद को धोखा देना ही है, क्योंकि फर्जीवाड़े के लिए वो तो कूटनीतिक शिष्टाचार भी नहीं निभाता। कभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ नवाज शरीफ की बातचीत का झूठा और अपरिपक्व बयान जारी करता है, तो कभी खुद को कश्मीर में शांति दूत बताने लगता है। नवंबर के इस्लामाबाद सार्क सम्मेलन के रद्द होने से लेकर अमृतसर के हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। ऐसे में यही बात निकलती है कि झूठ बोलने वाला पाकिस्तान बोले तो कौवा काटे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यकीन मानिए, पाकिस्तान के झूठ का कोई सिर पैर नहीं है, और आप पाकिस्तान के झूठ का अगर दस्तावेज तैयार करेंगे तो एक नहीं दो नहीं कई किताबें लिख जाएंगी। एक बानगी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने भारत समेत दुनिया के सामने झूठ बोल दिया। एक फहरिस्त आपके सामने, पाकिस्तान का झूठ यह है कि कुलभूषण जाधव भारतीय जासूस है, जबकि पाकिस्तान का जो डी फैक्टो विदेश मंत्री सरताज अजीज, ये कहा है कि पर्याप्त सबूत ही नहीं है। पाकिस्तान का झूठ है कि भारत ने सितंबर में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, जबकि पाक के मीरपुर के एसपी तक ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात मानी। पाकिस्तान का झूठ यह है कि बुरहान वानी कश्मीरी नेता था जिसे भारत ने मार दिया, लेकिन बुरहान वानी के हिजबुल कमांडर होने की पुष्टि हुई है। पाकिस्तान का झूठ है कि पठानकोट हमले में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं, जबकि भारत ने पाक एसआईटी को जांच के बाद चुप्पी साधनी पड़ी। पाकिस्तान का झूठ है कि 26/11 हमले की साजिश पाक में नहीं रची गई, जबकि पाक जांच एजेंसी एफबीआई के पूर्व डीजी तारिक खोसा ने खुद इस साजिश का खुलासा किया था। पाकिस्तान का झूठ है कि कारगिल युद्ध में पाक सेना शामिल नहीं थी, जबकि पाक सेना के अफसर शाहिद अजीज ने सेना और आईएसआई का रोल स्वीकार किया था। पाकिस्तान का झूठ है कि ओसामा बिन लादेन को मदद नहीं की गई, जबकि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में पाक सेना के संरक्षण में रह रहा था। पाकिस्तान का झूठ है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है, जबकि विलय की संधि के मुताबिक जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना था। पाकिस्तान का झूठ है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार स्वदेशी तकनीक पर हैं, जबकि उनके परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर ने ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया से तकनीक इसकी चुराई।